नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नौचंदी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन से प्रयागराज, संगम, इलाहाबाद के बीच में चलती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नौचंदी एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन से प्रयागराज, संगम, इलाहाबाद के बीच में डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में, टाइम टेबल के बारे में और इसके स्टेशनों के बारे में। नौचंदी एक्सप्रेस जो सहारनपुर से प्रयागराज, संगम के बीच में चलती है, उसका ट्रेन नंबर है 14512। डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। 17 घंटे 10 मिनट में ये ट्रेन जो है सहारनपुर से प्रयागराज, संगम की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 29 स्टेशन हैं, 771 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करती है। आगे हम बात करेंगे नौचंदी एक्सप्रेस जो कि सहारनपुर से प्रयागराज, संगम, इलाहाबाद के बीच में चलती है, उसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा नौचंदी एक्सप्रेस का, वो सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से प्रयागराज, संगम, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तक का कोचेज वाइज किराया बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। फर्स्ट एसी का जो नौचंदी एक्सप्रेस का सहारनपुर से प्रयागराज, संगम तक का जो टोटल किराया वो है 2660 रुपये, जिसमें 2473 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, 127 रुपये जो है वो GST चार्ज है। 2660 रुपये इसका टोटल फेयर बनता है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए इसमें कोई सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। जो दूसरे कोच हैं इसकी ट्रेन के वो है सेकंड एसी के, जिसे वातानुकूल टू टीयर कोच भी कहते हैं। इसमें जो किराया है 585 रुपये है, जिसमें 1460 रुपये के करीब जो है बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 76 रुपये है। टोटल किराया इसका 1585 रुपये के करीब बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो किराया है इस ट्रेन का नौचंदी एक्सप्रेस का सहारनपुर से प्रयागराज, संगम तक का, वो टोटल किराया है 1110 रुपये, जिसमें 1017 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 53 रुपये है। टोटल किराया इसका 1110 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 10 कोचेस हैं, जिसका टिकट किराया है टोटल 410 रुपये, जिसमें 390 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल अमाउंट जो है इसका बनता है 410 रुपये बनता है। ये तो हो गई स्लीपर क्लास की बात। इसके अलावा इस ट्रेन में 6 कोचेज जो हैं जनरल अनरिजर्व डिब्बों के हैं, जिसमें आप जनरल टिकट लेकर सफ़र कर सकते हैं, जिसका नौचंदी एक्सप्रेस का जो सहारनपुर से प्रयागराज, संगम तक का जो टोटल किराया वो है 230 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर सकते हैं, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से प्रयागराज, संगम उत्तर प्रदेश तक चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। नौचंदी एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 14512। सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से रोजाना शाम के 4:50 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 29 स्टेशन हैं। 17 घंटे 10 मिनट बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज, संगम, इलाहाबाद में पहुंचती है और 771 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 45 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो देवबंद स्टेशन में पहुंचती है। देवबंद स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 5:18 पर पहुँचती है और 5:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मुजफ्फरनगर में ट्रेन जो है शाम के 5:53 पर पहुंचती है और 5:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 58 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MOZ। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो खतौली स्टेशन में पहुँचती है शाम के 6:14 पर और 6:16 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। खतौली स्टेशन का स्टेशन कोड है KAT और यहाँ पर ये जो ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 80 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मेरठ कैंट में पहुँचती है शाम के 7:53 पे और 7:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 109 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका जो स्टेशन कोड है वो है MUT। मेरठ कैंट में ये ट्रेन जो है दिल्ली सहारनपुर मेमू ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मेरठ सिटी जंक्शन में ट्रेन जो है
शाम के 7:05 पे पहुंचती है और 7:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 45 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर मेरठ सिटी, प्रयागराज, संगम के कोच भी इसमें साथ में जोड़े जाते हैं। इसके बाद ये ट्रेन जो है हापुर जंक्शन में पहुँचती है। हापुर जंक्शन में रात के 8:25 पे पहुँचती है और 9 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 35 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर खुर्जा, प्रयागराज, संगम ट्रेन के कोच भी साथ में जोड़े जाते हैं नौचंदी एक्सप्रेस के साथ। इसके बाद ये ट्रेन जो है गढ़ मुक्तेश्वर में पहुंचती है रात के 9:25 पे और 9:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। इसके बाद गजरौला जंक्शन में ये रात के 9:48 पे पहुंचती है और 9:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 194 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो अमरोहा स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:09 पे और 10:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 217 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मुरादाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 11:30 पे पहुंचती है और 11:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 245 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मुरादाबाद जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है रामपुर जंक्शन में पहुंचती है। रामपुर जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:09 पे पहुंचती है और 12:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मौत ध्वज एक्सप्रेस के साथ हर सोमवार को इसकी क्रॉसिंग होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है बरेली जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:07 पे और 1:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 336 किलोमीटर की दूरी जो है ये सहारनपुर से बरेली जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है हरिहर एक्सप्रेस और सुल्तानपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है BE। इसके बाद शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रात के 2:14 पे पहुंचती है और 2:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 408 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हरदोई स्टेशन में ट्रेन जो है 3:10 पे रात को पहुंचती है और 3:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 470 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है HRI। इसके बाद ये ट्रेन जो है बलामऊ जंक्शन में पहुंचती है। नौचंदी एक्सप्रेस जो है बलामऊ जंक्शन में रात के 3:38 पे पहुंचती है और 3:40 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो संदीला स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4 बजे और 4:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 524 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग में पहुंचती है सुबह 5:05 पे और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 577 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। लखनऊ चारबाग में ये प्रयागराज, संगम, हरिद्वार एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। बछरावा स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 6:03 पे पहुंचती है और 6:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 620 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बछरावा स्टेशन का स्टेशन कोड है BCN और यहां पर ये ट्रेन जो है भरवाडी, टनकपुर, त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। रायबरेली जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:53 पे पहुंचती है और 6:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 650 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। लक्ष्मणपुर में ट्रेन जो है सुबह 7:26 पे पहुंचती है और 7:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 677 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। लक्ष्मणपुर का जो स्टेशन कोड है वो है LMN। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो ऊंचाहर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:42 पे और 7:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 688 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है UCR। इसके बाद ये ट्रेन जो है परियावां कलंकर रोड में पहुंचती है सुबह 7:57 पे और 8:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद
पर्यावन कलंकार रोड का वैसे स्टेशन कोड है PQ1। इसके बाद ये ट्रेन जो है गढ़ी मानिकपुर में पहुंचती है। गढ़ी मानिकपुर का जो स्टेशन कोड है वो है GRMR। यहाँ पर 8:05 पे पहुंचती है और 8:06 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 705 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। ये इस ट्रेन का 24वां स्टेशन है। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो कुंडा हरनामगंज में पहुंचती है सुबह 8:17 पे और 8:18 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 718 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कुंडा हरनामगंज का जो स्टेशन कोड है वो है KHN M। इसके बाद ये ट्रेन जो है लाल गोपालगंज में पहुंचती है सुबह 8:36 पे और 8:37 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 732 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फाफामाऊ जंक्शन जो कि इस ट्रेन का 27वां स्टेशन है यहाँ पर सुबह 9:12 पे पहुँचती है और 9:13 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है PFM। यहाँ पर ये ट्रेन जो है काशी एक्सप्रेस के साथ डेली इसकी क्रॉसिंग होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन या इलाहाबाद जंक्शन में सुबह 9:35 पे पहुँचती है और 9:37 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 867 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। प्रयागराज जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है PRG। इसके बाद नौचंदी एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन प्रयागराज संगम में सुबह 10 बजे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ नौचंदी एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।